अगर कुछ बनना है तो कुछ करना है, क्योंकि हमारे YouTube चैनल का लक्ष्य निरंतर चलना है। नमस्कार बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं इतनी ही मजेदार 3 ट्रिक्स कि आपको मजा ही आ जाने वाला है बच्चों। क्योंकि आपको, अच्छा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ बच्चों, कि आप डिवाइड तो करते ही होंगे, तो डिवाइड करते हैं जब आप, तो डिवाइड अगर बड़ी से बड़ी हो तो उसमें इतना टाइम लेती है बच्चों की, मतलब यार इतना दिमाग भी परेशान हो जाता है कि डिवाइड कौन करता है। तो बच्चों, आज हम आपके लिए 3 ट्रिक्स लेके आए हैं कि आप कहेंगे कि यार ये डिवाइड ऐसे भी हो सकता था। तो बच्चों, मेरी 3 ट्रिक्स अंत तक देखते ही जाना, क्योंकि जो 3री ट्रिक है बच्चों वो लाजवाब है, उसमें ही इस पूरी वीडियो का उसी में सारा रस है, उसी 3री ट्रिक में। तो मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो हम लोग चलते हैं अपनी इस वीडियो में सबसे पहली ट्रिक के ऊपर, जो कि कहती है क्या है ये ट्रिक। एक ऐसी ट्रिक है, ऐसी संख्याओं के लिए है, ऐसी संख्या के लिए है कि जिससे हम लोग 25 से डिवाइड करना है। ऐसी संख्याएं जिसे 25 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जांपल 1 लेते हैं बच्चों। एग्जांपल 1 में हम लोग क्या लेंगे, मान लीजिए हमने कोई नंबर ले लिया 124, जिसका डिवाइड करेंगे हम लोग 25 से। तो हम लोग बच्चों इस ट्रिक में क्या करेंगे, ये ट्रिक हम लोग देखना, वो ध्यान समझना, हम लोग डिवाइड किए बिना ही इसका आंसर निकाल दें। हम लोग इस ट्रिक में क्या, ध्यान समझिएगा बच्चे, हम लोग इस ट्रिक में क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड ना करके हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। ये पहला स्टेप है कि इसको करना क्या है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब इसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16, 4 2 8, और 8 प्लस 1 9, तो 9 और 4 4, तो ये आ गया इसकी मल्टीप्लाई। अब क्या करना है बच्चों, जब भी किसी नंबर का 25 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग को क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या है, इसको हम लोग 2 के बाद राइट साइड से लेकर पीछे की साइड जाना है, 2 संख्याओं के बाद हमें डेसिमल लगा देना है। आंसर आ गया, कुछ सोचना पड़ा, टेक पुश डिवाइड करनी पड़ी। देखा बच्चों, यही ट्रिक मैं आपसे चाहता हूं कि मेरी वीडियो में आपको यही ट्रिक मिले, आपको कुछ फायदा हो। तो बच्चों, हम लोग चलते हैं अपने सेकंड एग्जांपल पे। मान लीजिए मैंने ले लिया 329/25, इसको भी हम लोग वैसे करना है, इंटू करते हैं हम लोग 4 से। तो 329 × 4 क्या होता है बच्चों, 1316। हम लोग क्या करना है, 2 के बाद बना, आंसर आ गया। देखा बच्चों, कुछ करना पड़ा। अब हम लोग चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक, जो सेकंड ट्रिक हम लोग की बच्चों, ये ऐसी संख्याओं के लिए है जो कि 5 से डिवाइड होते हैं। एग्जाम्पल 1 लेते हैं बच्चों, ट्रिक समझिएगा, ट्रिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिक नहीं समझेंगे तो आपको कुछ नहीं आने वाला बच्चों, तो ध्यान समझिएगा। हम लोग मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं 333/5। अब हम लोग को क्या करना है, जब हम लोग कोई भी संख्या को 5 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग क्या करना है, डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड को तो भूल जाइए, कोने में फेंक दीजिए डिवाइड को। हम लोग करते हैं इसका मल्टीप्लाई बाई 2, इसमें किया था मैंने 4 से, इसको करना है हम लोग को 2 से। ट्रिक ध्यान रखना बच्चों। तो हम लोग करते हैं 333, 3 2 6, 3 2 6, 3 2 6। अब हम लोग क्या करना है कि सेकेंड स्टेप में जब 5 से डिवाइड हो रहा हो तो हम लोग क्या करना है कि हम लोग को एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना है। आंसर आ गया। चलिए दूसरा एग्जांपल जल्दी जल्दी, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था, आप देखिए कितनी फुर्ती में लगाता हूँ। मान लीजिए मैंने ले दिया 625 से हम लोग 5 से डिवाइड करिए, हम लोग का स्टेप क्या था, इंटू 2 कर दो, ये यहाँ पे भी 2 किया था ना, तो इंटू 2 कर दिया। अब क्या आएगा, 5 2 10 2 4 5 6 2 12, आ गया आंसर। एक बार पॉइंट लगा दो, आंसर आ गया। आंसर क्या है, 125 पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है बच्चों। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इस ट्रिक में इस पूरी वीडियो का रस है, तो वो रस को पी के ही जाना, नहीं से आपको मजा नहीं आएगा। तो ये ट्रिक क्या कहती है बच्चों, कि ये ऐसे नंबर्स के लिए है कि जो कि 25 से डिवाइड होते हैं। मान लीजिए एग्जांपल नंबर 1 मैंने ले लिया, मान लीजिए 1325 डिवाइडेड बाई 125 किया। अब बच्चों, जब भी कोई नंबर्स 125 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड नहीं करना है, हम लोग क्या करेंगे, इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम लोग 1325 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 10600। अब बच्चों क्या करना है, यहाँ पे कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 3 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3 लग गया और आंसर भी आ गया बच्चों। मान लीजिए आपकी खुशी के लिए दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया 750 को 125 करेंगे, हमारी ट्रिक वही रहेगी, इंटू वेट करा, 750 एट से कितना होता है 6000। क्या करेंगे हम लोग बच्चों, 3 बार 1 2 3 मतलब 1 2 3, आंसर आ गया जो कि आएगा 6। देखा बच्चों, आई थिंक आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो इन 3 ट्रिक्स में बच्चों, तो आप मुझे लाइक एंड कमेंट करिएगा, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो भी आप कमेंट अच्छे अच्छे कर सकते हैं। तो नमस्कार बच्चों, आपका दिन शुभ हो।